खबर सतना से है, जहां नगर निगम के पूर्व महापौर पुष्कर सिंह तोमर ने सोमवार को पीसीसी चीफ कमलनाथ के हाथों कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। पुष्कर ने पिछले दिनों बसपा से इस्तीफा दे दिया था और तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि वो निकाय चुनाव के इस दौर में हाथी छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। वहीं सोमवार को सतना में नगर पालिका निगम के कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में सभा संबोधित करने आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मंच पर पहुंचकर पुष्कर ने अटकलों पर विराम लगा दिया है। सभा के मंच से पुष्कर सिंह तोमर ने भाजपा को निशाने पर भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रम फैलाती है, मैं भी उस भ्रम में पड़ा रहा, लेकिन अब किसी तरह से उससे बाहर निकलकर यहां पहुंचा हूं। तोमर ने कहा कि भाजपा ने खुद कैलाश विजयवर्गीय, कृष्ण मुरारी मोघे को विधायक रहते महापौर बनाया, लेकिन अब ये पूछ रही हैं कि सतना में विधायक को मेयर का टिकट क्यों दिया। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह तोमर भाजपा के जिला महामंत्री रहे हैं। कई बार पार्षद रह चुके तोमर ने वर्ष 2014 में बसपा के टिकट पर महापौर पद का चुनाव भी लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। हालांकि बाद में उन्हें भाजपा में वापसी करनी पड़ी थी, लेकिन वो वहां ज्यादा दिनों तक नहीं टिके। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और तभी से उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली थी। इस बार नगर निगम का चुनाव का ऐलान होने के बाद से ही वो फिर से सुर्खियों में आए और आखिरकार कांग्रेस में शामिल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। ये जो भाजपा के लोग सत्ता में भ्रम फैला रहे हैं, एक विधायक को महापौर क्यों बनाया, तो इससे आप सचेत रहें, भ्रम फैलाने में वो माहिर है। मैंने भी समय गुजारा है, मैं भी उस भ्रम में बाहर लोग और खुद किसी तरह उसे किनारे आते हुए आज आप सबके बीच में आया हूं।